हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, जैमिनी मिथुन राशि का निकाल रही हूँ। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है लव रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। कपल्स रीडिंग भी है, मैरिड एंड मैरिड बोथ के लिए है, और सिंगल्स के लिए भी बताऊंगी जो कार्ड्स में आएंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है जैमिनी आपके लिए। हमेशा पॉजिटिव रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। आपके गॉड आपके साथ जो भी करेंगे, बहुत दिनों के बाद ये चीज़ हो पता चलता है कि क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा समय के साथ ढलने की कोशिश जरूर करें। जैमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलती है। आप जहाँ जाते हो, या ऐसा कभी कभी आपको लगता हो कि मैं तो जहाँ जाती हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं मेरे पीछे कोई ना कोई पड़ जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल, दिमाग में ना बहुत हलचल मची हुई है, ऐसा भी लगता है मुझे देख के। और लेकिन उन सब चीज़ों को जब आप एक साइड जब बैठते हो ना कभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोचते हो, फिर आपको उन सब चीज़ों का एक निचोड़ निकालते हो। उस निचोड़ से आपको ना एक एक्सपीरियंस आता है, और आप एक करेज, जो कहते हैं ना करेज आना लाइफ में, फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है। और ऐसा होने वाला भी है, और जुलाई मंथ में ऐसा होगा भी। आप बहुत स्ट्रांग बनोगे डे बाय डे आप, ठीक है, और हर चीज़ को आप रिसीव करना सीखोगे। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी ना बदलने वाली है। आपके डेस्टिनी में जॉय है, ऐसा दिख रहा है। कार्ड्स बिल्कुल आए हैं डेस्टिनी एंड जॉय, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और जो गिल्ट फील करते हो ना आप, वो सब बाहर कर दें उस चीज़ को। नहीं, बिल्कुल गिल्ट फील करना ही नहीं है आपको, ठीक है। आप प्रेयर बहुत किया, आपने अपने गॉड से बहुत कुछ सोचा, मांगा, बहुत बोल रहे हो अपने गॉड से, ठीक है, क्योंकि इनोसेंट बहुत हो आप, ये कार्ड्स में आए हैं। बहुत इनोसेंट हो, इसलिए मैं ये कहूँगी कि, और इनसिक्योर फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। प्रेयर भी कर रहे हो, इनसिक्योर भी फील कर रहे हो, बट इनसिक्योर फील नहीं करना है, क्योंकि आप बिल्कुल अंदर से स्ट्रांग होने हो रहे हो, ठीक है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब अंदर से स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर कभी कभी इनसिक्योर भी फील करेंगे कि मैं ये कर रही हूँ क्या ये सही रहेगा मेरे लिए। बहुत सारे डिसीजंस मुझे लग रहा है लेने वाले हो कुछ ना कुछ, और सिंगल हैं मुझे लग रहा है, थोड़ा एज भी है, तो पॉजिटिव रहें। आपका कुछ ना कुछ जो भी डिसीजन लोगे वो आपको जॉय देके जाएगा, क्योंकि आपके डेस्टिनी में आ रहा है। कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे आप, बहुत सोच रहे हो लास्ट 9 मंथ से, तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो ऐसा लग रहा है। और कोई कोई ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मे भी दो हैं, चाहे वो आप इसको चूज़ करूँ उसको चूज़ करूँ, ऐसे कार्ड्स में आए हैं। बट आप सब चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने सोचा समझा है, और डिसीजन आप ले रहे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बैलेंस में आपकी लाइफ, लव लाइफ रहेगी ही रहेगी, ऐसा है। और अगर कहीं कुछ टेंशन ले रहे थे तो उसको रिलीज़ कर दें। आपके लाइफ में बस अब खुशियाँ, जॉय जो कहते हो ना, जुलाई मंथ से आना शुरू हो जाएगा। देखो, टू ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स का आने का मतलब ही है कि जो जगलिंग कर रहे थे, अगर आप या आपके पार्टनर, तो ये समझ लें, अगर आप वो आपके पार्टनर अगर जगलिंग कर रहे थे, तो वो आ रहे हैं आपके लिए आ रहे हैं। और इनकेस आप जगलिंग कर रहे थे, तो ये समझ लें कि आप डिसीज़न लेने वाले, और जो भी डिसीज़न लोगे वो परफेक्ट डिसीज़न होगा आपका। और जो सिंगल हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अभी तो हो सकता है कुछ टाइम में लग जाए, या मे भी हो सकता है सिंगल आपको ना कहीं कोई मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू बिल्कुल। और टेम्परेंस का कार्ड आया, तो लाइफ अब आपकी बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंस में आ रही है, एक रास्ता भी खुलेगा। और लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रहें आप, तो और सोचना, बहुत जो दिमाग में बहुत जो उथल पुथल चल रही है, बहुत अप एंड डाउन्स आपने लाइफ में देखा है लव लाइफ में, ये मुझे लग रहा है। बट इस वजह से आपके दिमाग से ना बहुत सारी चीज़ें निकल नहीं पा रही। जो निकल नहीं पा रही, तो उसको कोशिश जरूर करें मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, किसी भी तरह उसको थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आप लोग स्ट्रांग तो हो। और एक स्टेप जो कहते हैं ना, वो दूर हो, बट अब वो भी कंप्लीट होने वाला है जुलाई मंथ से। मुझे लग रहा है बहुत कुछ चेंज होगा आपका लव लाइफ में, और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जो भी होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप अपने गॉड्स के साथ जुड़े हुए हो, उनकी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। कार्ड्स में ही दिख रहा है कि आपके गॉड, और बहुत आपके साथ पॉलिटिक्स तो बहुत हुआ है लाइफ में, पास्ट में जहाँ भी हुए हो, कुछ ना कुछ आपके पीठ पीछे हो जाता है, और उसी वजह से रिश्ते में कहीं ना कहीं दरारें आ जाती। बहुत कोई ऐसे हैं सेकंड मैरिज का भी सोच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो हो सकता है कि उनके लाइफ में बैलेंस आ जाएगी, कोई ना कोई मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो सिंगल हो चुके हैं। और कोई रीज़न है उनका सेकंड मैरिज करने का, और वो भी बहुत मेजर रीज़न है, ये भी बता रही हूँ मैं, बहुत मेजर रीज़न है उनको सेकंड मैरिज करने का, ठीक है, इसलिए वो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैन हो वुमेन हो।
और लेकिन जिस भी रिश्ते में बंधोगे वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि टू ऑफ कप्स आया है, चेरियट आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसलिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी रहेगी आप लोगों की। और जेमिनी जिसके साथ आप जुड़ोगे, अब रिश्ता आपका बैलेंस में चलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है आपको, आपके डेस्टिनी में जॉय है वो मिल के ही रहेगा। और लाइफ में ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं और उसको ले कर चलना भी पड़ता है, फिर कलर्स ऐसे धीरे धीरे रेनबोज भी आते हैं लाइफ में, ठीक है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके कि अच्छा मिल जाए, बहुत मुझे लास्ट 9 मंथ से तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जगलिंग कर रहे हो कि किसके साथ मैरिज करूँ, किसी के लिए कि किसके साथ मैरिज करूँ, इसके साथ करूँ, उसके साथ करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब ये समझ लें कि अब आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने प्रेयर बहुत किया, गॉड को रास्ता बोला है आपने दिखाने के लिए, तो वो दिखा भी रहे। और जो गिल्ट आप फील कर रहे थे या इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे आप। पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला फिर से।